तो हो चुकी है ये मेरी बर्थडे गर्ल रेडी। आइस क्लोज करो। ये मेकअप भी हुआ है। ये हमारी है बर्थडे गर्ल। बेटो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चले मम्मी पास अब। चलो तुमको छोड़ दे, फिर हम भी रेडी हो जाएंगे। चलो बेटो इधर इधर ही आओ। हटो हटो जरा सा। हाँ तुम ये पहले ना, अपना ले आए हैं। बिट्टो बिट्टो की सब लोग कैसे, बताइए ड्रेस कैसी लग रही है? बउआ बेटो दोनों। तो दोनों बच्चे हो चुके थे रेडी। बिट्टो को तो मैंने रेडी कर दिया था वहीं पे। अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, ड्रेस भी है उसकी अच्छी लग रही थी। और बउआ भी रेडी हो गया था यहाँ पर। दोनों बच्चों को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और बच्चे ना जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको एक्साइटमेंट होती है। छोटे में तो इतना फर्स्ट बर्थडे सेकंड थर्ड तक तो इनको एक्साइटमेंट नहीं होती, फोर्थ से ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। सेम वही चीज़ बिट्टो के साथ भी थी। बिट्टो के भी फोर्थ बर्थडे से उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो यहाँ पर सभी लोग थे। बिट्टो की बुआ वगैरह थी, फूफा जी थे, बिट्टो की भैया भाभी लोग थे, और यहाँ पर ये बिट्टो की मैम बैठी हुई हैं। तो सभी लोग आ गए थे और बस यहाँ पर केक कटिंग की होने जा रही थी तैयारी। केक वगैरह और कैंडल्स देखिए, इतनी प्यारी स्माइली वाली कैंडल्स थी कि कैंडल देखकर इतना अच्छा लग रहा था। प्यारी प्यारी सी, क्यूट क्यूट सी देखिए, और बहुत अच्छी लग रही थी। ये मुझे अच्छी लगी। इनको केक में लगाने का मन नहीं हुआ तो हम लोगों ने नीचे ही रख दिया था कि ये जलती रहेंगी, बाकी जो वो वाली कैंडल्स हैं उनको ब्लो कर दिया जाएगा। तो बस यहाँ पर केक कटिंग होगी। नहीं रख रहे तो अच्छी लग रही है ना, प्यारे लग रहे देखने में। अरे चावल लगा दो। अरे बुआ लगा रही है, बुआ लगा रही है, वो अपने लगा दी, लगा दी बुआ। चावल लग गया बाबू। हाँ कोई चीज मालूम है ना, कुछ भी बोल रहा क्या? चाकू मेरे हाथ में है, वो काटने लगा था इसलिए नहीं दे रहा था। अभी रुको, अभी फूकना, सब मत फूकना, केवल वो दो फूकना, ये वाली मत फूकना। ये लो चाकू, केवल हाँ वो जलने देना। दोनों लोग मिलके फूको 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 दोनों फूको फूको दोनों लोग पहले फूको तो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बिट्टो बउआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो नहीं फूटा है, बलून फूटा, उसकी आवाज थी। हैप्पी बर्थडे होगा पहले नहीं क्या? नहीं वो बलून फूटा था। जब और क्या हो गया? मुझको लगा ये फूटा तो बैठ वो। अरे पहले खा ले, देखो दोनों को खा ले, खा लो खा लो खा लो, पहले खा लो, पहले खा ले भैया, बहुत देर से इंतजार किया, खा ले खा ले दो, बहुत देर से इंतजार किया, पहले खा ले दो। थैंक यू बोलो, कहो तो अभी हम आग लगा दे। बिट बउआ उसके दो दो, तुम्हारा एक ही है। बाप रे, ठीक है। अच्छा इसमें कार है उधर पीछे, सब लोग जाओ इधर से, कैंडल लगाए वो देख लीजिए। नीचे 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 एक और चेयर रख दो, नीचे रखते जाओ। हाँ सब गिफ्ट, चलो भाई सब लोग आओ। तो बस यहाँ पर बारी बारी से अब सब लोग आएंगे। और बच्चों को तो आपने देखा केक खाने का कितना ज्यादा एक्साइटमेंट था। बहुत देर से बेचारे वेट कर रहे थे केक खाने के लिए। जैसे ही केक कटा, इन दोनों ने सबसे पहले जो ऊपर चॉकलेट्स लगी होती वो निकाल निकाल के खाई। कोई मतलब नहीं है, बस गिफ्ट मिल रहा है तो वो उठा के रख ले रहे हैं, बाकी केक में खाने में बस बिजी है, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। देखिए कैसे मज़े से केक खा रहे हैं। यही सब बच्चे होते हैं, बचपना यही सब होता है। जब बड़े हो जाएंगे तो उन लोगों को यही सब याद आएगा। और मेरे वीडियो के थ्रू तो ये लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी देख लिया करेंगे, क्योंकि बहुत जब से ये लोग हुए तब से मैं बराबर वीडियो बना रही हूँ। जब ये लोग बड़े हो जाएंगे ना तब देखा करेंगे कि मैं कितना छोटे थे, हम लोग किस तरह से रहते थे, मस्ती करते थे। इसीलिए कि वीडियो का ये भी एक फ़ायदा है कि जो हमारी मेमोरीज़ हैं वो बराबर हैं। जब से हम लोग मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तब से सारी मेमोरीज़ वगैरह हैं। भले ही मुझे कुछ अर्न हो रहा हो या ना हो रहा हो, बट ये है कि हमारी सारी मेमोरीज़ कैप्चर हैं, एकदम बिल्कुल सेफ़ हैं। जब कभी हमारी इच्छा हो तो हम उनको देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर सभी लोग केक खिला रहे थे और बिट्टो बउआ को पैसे दे रहे थे जो लोग। तो बउआ क्या कर रहा था, अपने पापा को पैसे दे रहा था और बिट्टो अपने चाचा को दे रही थी। तो इस तरह से सब देते जा रहे थे। और बस यहाँ पर चलिए अब आप लोग भी एंजॉय करिए।
शिक्षक लोग भी काफ़ी ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, लेकिन सारे जो थे वो बिट्टू बउआ के काम के ही थे। जैसे कि नैतिक हाथ में लिए, महिमा लिए ये बॉटल है, वाटर बॉटल है, और नैतिक जो हाथ में लिए वो पेंसिल है, बुक्स हैं, वेफर है, तो बस यही सब चीज़ें हैं। तो ये लोग भी सब दे रहे हैं, बच्चों को बस गिफ्ट का ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या तो केक खाने का या तो गिफ्ट का। और खाते खाते लास्ट में देखिए बिल्कुल इन लोगों का मन ख़त्म हो गया था केक खाने का। अभी नैतिक खिला के तो बउआ ने मुंह बंद कर लिया था, फिर नैतिक ने थोड़ा सा खिलाया तो उसने खाया, तो कैसे जब नैतिक ने थोड़ा सा खिलाया तब उसने एकदम से खाया था। तो बस यही सब चल रहा था बर्थडे में, और होता क्या है, गिफ्ट्स दो केक। और अभी इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी है। बिट्टू तो काफ़ी दिनों से बोल रही थी मेरा बर्थडे आएगा तो मुझे ये चाहिए, मेरा बर्थडे आएगा तो मुझे ये चाहिए, शुरू से बहुत पहले से बोल रहे थे ये लोग। तो सब ने गिफ्ट वगैरह दे दिए हैं, केक खिला दिया है, बारी थी हम लोगों की। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इतने बड़े बड़े हम लोग बॉक्स लिए हुए हैं, इनमें जो भी है बिट्टू को पता था तो तभी उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि चाची अपना वाला दिखाओ। तो यहाँ पर सबका हो गया था, हम लोग लास्ट में बचे थे, तो बस हम लोग पहुँचे। और ये ऊपर जो इन लोगों के लिए जो वो थी वॉच थी ना, वो भी लेकर आई थी मैं, बच्चों वाली जो होती है ना छोटी वाली, वो लेकर आई थी। तो यहाँ पर दोनों वो देखिए, बउआ पहले बोला था पहले मेरे हाथ में बांधो, तो मैंने कहा नहीं पहले केक खाओ दोनों लोग फिर बांधेंगे हाथ में। और जो ये गत्ता है, जो ये मतलब बॉक्स हैं, इनमें काफ़ी ढेर सारा बड़े बड़े बॉक्स हैं, इनमें वो रखा है बच्चों के लिए सब खाने पीने का, उनके आइटम सारी चीज़ें जो भी हैं, केक वगैरह सब कुछ इसके अंदर है, कुरकुरे, चिप्स, टॉफ़ी, लॉलीपॉप, चॉकलेट्स सब हैं। उसके साथ साथ ये वॉच लेकर आई थी, तो बस दोनों बच्चों को, एक को बिट्टू को ये पहना रहे थे और बउआ को मैं पहना रही हूँ। वो बड़े शौक से इन लोगों ने पहना था, और उसके बाद तुरंत उतार के रख दी थी, थोड़ी देर पहनने के बाद उतार के रख दी कि ये कहीं आएंगे जाएंगे तब पहनेंगे, ऐसे पहनेंगे तो ख़राब हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे। दोनों ही बच्चों ने पहन ली थी बड़े ही शौक से। और इनको बिट्टू को बहुत दिनों से मन भी था, कह भी रही थी कि मुझे वॉच पहननी है, मुझे वॉच पहननी, भैया पहनता है, नैतिक पहनता है ना, तो नैतिक को देखकर बोल रही थी मुझे वॉच पहननी है। तो देखिए दोनों बच्चों ने वॉच पहन लिए, बड़े खुश थे दोनों। तो हो गया इन लोगों का बर्थडे। और इसका तो बिट्टू को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस बॉक्स का, क्योंकि बिट्टू ने जब हम लोग पैक कर रहे थे तो बिट्टू ने देख लिया था कि इसके अंदर क्या है, इसलिए बिट्टू को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। जितने बड़े बड़े बच्चे नहीं, उससे बड़े बड़े बॉक्स से पकड़ नहीं पा रहे थे दोनों बच्चे, लेकिन पकड़ने का बड़ा मन था इन लोगों का कि मैं पकड़ के फ़ोटो खिंचवाऊँ। और लेके बउआ तो लेके भागने लगा था, बउआ लेके भागा जा रहा था, तो मैंने कहा नहीं बउआ एक फ़ोटो हम लोग ले लें उसके बाद लेके जाना। तो बस फिर भी बच्चे मानते नहीं हैं। उसके बाद बस आखिरी में सब कुछ हो गया था, सारा प्रोग्राम निपट गया था, बारी है खाना खाने की सबकी। आज बात नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, ताई जी इसको अच्छी लगाई बाल में, अच्छी लग रही है। ताई जी लगाए, मानी भी लगाए, हम भी लगाए। बिट्टू क्या खाओगे? कौन तो बस अब बारी थी खाना खाने की, तो सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे एक साथ खाना खाने के लिए। और इस बार क्या किया था हम लोगों ने, जो थाली आती है ना फूड वाली, वो मंगाई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी, सबका व्रत था, तो फिर अगर घर पे बनाते तो बहुत सारा खाना बचता है, फिर नेक्स्ट डे के लिए बर्बाद होता, क्योंकि व्रत था सबका, कोई खाने वाला नहीं था, फिर बर्तन वगैरह बहुत सारे होते, इसलिए फिर हम लोगों ने थोड़ा ही ये थाली वाला मंगाया था। और बहुत अच्छा किया, इतना ज़्यादा ये खाना था कि एक थाली में दो आराम से, मतलब रोटियां बहुत ज़्यादा थी इसमें, जो तवा रोटी थी और मिस्सी रोटी थी, तो रोटियां भी बहुत ज़्यादा थी, पर्याप्त था एक लोगों के लिए, और ज़्यादा ही लोग खा सकते थे इवन। तो बस यहाँ पर अच्छा था, खाना भी बहुत टेस्टी था, तो सभी लोग तुरंत अभी गरम गरम आया था, तो ये हुआ सब लोग सबसे पहले सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा लो, वरना फिर ठंडा हो जाएगा। तो एक बार में इतने सारे लोग बैठ गए थे, उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे और फटाफट से खाना वाना खाने लगे थे यहाँ पर। और बिट्टू की बुआ फूफा जी को जाना भी था, रात में ही कानपुर वापस जाना था, इसलिए और थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे कि सब लोग खाना पीना खा लें तो फिर सबको निकलना है। तो ये था बिट्टू बउआ का बर्थडे। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ज़रूर लाइक करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। और बिट्टू कैसी लग रही, देखिए स्मार्ट लग रही थी, क्यूट लग रही थी। और मम्मा कितना खा रही हो? सेहत के हिसाब से, ये रोटी, ये रोटी, वो रोटी, वो रोटी, ये रोटी। अरे बाप रे, इतने सारे।
ये फ्रूट्स रखे हैं, वो अचार रखा, इतना पानी, ये थाली खत्म कर दो, पानी दो, पानी भी दो तीन ग्लास पियेंगे। इसके पहले कितनी कितनी प्लेट, ये थाली खा चुके, पूरी खत्म हो गई है। इसके पहले कितनी प्लेट ली आपने? हमने पांच। पांच बस, इतनी कम? बस इतनी कम। अरे वाह, फेंक दिया कहीं नहीं। मौसी वो डिलीट कर देना, काफी वीडियो 10 मिनट खाली है लिमिट। वाह, ये तुम अपनी बुआ से मंगाई थी क्या? ऑर्डर करे थे। कल से अब खाना नहीं बनेगा। मैं दिखा क्या एक्सीडेंट हो गया, फिर से एक्सीडेंट हो गया। उल्टा खोल रहे हैं, उल्टा ही खुलता है यार। दो तीन बार खुलेगा, ऊपर करके खोलो थोड़ा सा, दबा के थोड़ा सा। मेरे हाथ के ऊपर ताकत लगा रहा है। हाँ, थोड़ा देना बाबू। ये उल्टा है, उल्टा। हाँ, अरे ऐसे नहीं, पूरा पैक है अंदर भी। ये ऐसे रखो, इसके ऊपर सामान सजाया। अब ये बाद में खोलना, बाद में खोलना। वो भी लिया, मेकअप बॉक्स लिया, मेकअप बॉक्स। नींबू देगा, नींबू, मेकअप बॉक्स, नींबू है ये। लॉक कर दो, अब गायब हो जाएगा एक बार में। ये देखो शक्ति मैम, ये दीदी पहली बात आई, सील है आपको लग रहा है? हाँ, ये सील है। नहीं सूटकेस खुलेगा, ऊपर से दबा के खोलना। मैंने कहा तो दबा के खुलेगा। ये देखो शीशा, ये कहीं सा शीशा भाई, अभी ना खोलो यार। ये उसके मुंह कैसा आ रहा है, फिल्टर। ये तो एक बड़ा उड़ा ला के दे चुकी हूँ ना आपको। अभी रख दो, अभी रख दो। कह रहे थे वाला टूट गया, दूसरा लेके आइए। ये चिमटी लग जाएगी, ये तो